पूरब टाइम्स की टीम अपने एक मुलाकात वीडियो के तहत आज पार्षद प्रकाश जगत वार्ड 23 शहीद मनमोहन सिंह बख्शी रायपुर से चर्चा की। आपका नाम क्या है सर? मैं प्रकाश जगत पार्षद है। फिलहाल हम लोगों को 3.5 साल हो गया। क्या क्या नया काम हुआ है ये मोहल्ले में? नया काम बोलने से विकास कार्य चल रहे हैं और कुछ विकास कार्य निर्माण दे। अच्छा अच्छा। जैसे कि अभी हमारे पास में वर्षों से जो कोटा के आमजन हैं जिनके लिए रेलवे फाटक पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद धूप बारिशों में बहुत तकलीफ होता था, उसका टेंडर हो चुका है। आगामी दिनों में वो शेड लग जाएगा, वो कोटा के लिए बहुत बेहतरीन कार्य हो जाएगा जो आम जनों को हर प्रकार की खुशी मिलेगी। सड़क और ये साफ सफाई को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? साफ सफाई के लिए हमारे 70 वार्डों में सबसे अच्छा स्थान हमारा कहलाया जाता है। हमारी कोटा की जनता इतनी जागरूक है कि जो व्यवस्था हमको सरकारी रूप से मिला हुआ है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए, प्रत्येक घर वाले जागरूकता स्वरूप समय से कचरा डाल के उसको निष्पादन करते हैं। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास आवास वालों का ऐसा स्थिति रहा कि यहाँ पे एक तो सरकार ने जो एक नियम लागू किया मूल निवास को लेकर, हमारे कोटा के आम नागरिक जो हमारे कोटा में आबादी क्षेत्र है वहाँ पे लगभग 100 घरों में प्रधानमंत्रियों का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री आवास के तहत में। जैसे कोई नया बंदा रहता है, जैसे कोई राशन कार्ड नहीं बना रहता कोई का, कोई भी नया बंदा राशन कार्ड के लिए हमारे पास आवेदन देता है, जो प्रक्रिया है मजदूर कार्ड के कारण, मजदूर कार्ड के चलते उसका गरीबी रेखा राशन कार्ड बनता है, और सामान्य कार्ड के लिए प्रक्रिया पे मात्र आधार कार्ड की जरूरत है। अगर लोकल यहाँ का आधार कार्ड होगा तो उसका राशन कार्ड बनाने में कोई आपत्ति नहीं, हम 7-10 दिन के अंदर उनको बना के दे देते। जैसे कांग्रेस या बीजेपी का कोई पार्षद बनता है उस पर क्या फर्क पड़ता है? जैसे मोहल्लेवासियों को कोई भी राजनीतिक दल का एक पार्षद बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीतिक दल का सपोर्ट मिलता है। आज हम कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी का पार्षद होने के नाते मुझे गर्व है कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जो नीतियों के चलते आज आमजन में बेहद खुशहाली है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश सफाई स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बोलना चाहूँगा कि पूरे रायपुर क्षेत्र में सभी जगह पे बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। हम इंदौर गए थे स्वच्छता अभियान के चलते, वहाँ के लोगों में जो जागरूकता देखने को मिला, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हमारे यहाँ पे है, वो जागरूकता अगर ला लेते हैं हम लोग नंबर वन हो जाएंगे स्वच्छता के रूप में, और स्वच्छता में जो शहर नंबर वन है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ।